हेलो एवरीवन, तो आज हम लेसन नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो लेसन नंबर 7 में हमने एक बहुत ही खूबसूरत छोटा ख्याल किया था, आई थिंक आपको याद है, वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है आप लोगों की। तो उसमें मैंने आपको बताया था अबाउट तीन ताल, जो एक तबला का ठेका है तीन ताल, तो वो उसमें बताया गया था। लेकिन अभी मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, धा धिन धिन्ना, धा धिन धिन्ना, ता तिन तिन्ना, ना धिन धिन्ना, धा। ये तीन ताल एक ठेका है तबले का, जो जाहिद हमें बताएंगे अभी प्ले करके। तो इसमें सम होता है धा, और इसमें एक खाली होती है धा धिन धिन्ना, धा धिन धिन्ना, ता। जो ता है वो खाली है, तो उसके बाद फिर सम पे हम आते हैं। तो ये होता है 16 मात्रे का। तो उसमें आज हम एक बहुत ही खूबसूरत ख्याल राग भैरव में करेंगे। भैरव का आपको आइडिया तो हो गया होगा सारा, आप लोगों ने अलंकार किए हुए हैं, आप लोगों ने छोटा ख्याल किया हुआ है। तो अब एक अस्थाई अंतरा आप लोगों की पेशे खिदमत है। हे माँ साजन घर आए, हे माँ साजन घर आए, आए सब मिल मंगल गाए, हे माँ साजन घर आए, हे माँ साजन घर आए, आए सब मिल मंगल गाए, हे माँ साजन घर आए। शुभ दिन शुभ घड़ी लगन मुहूर्त, शुभ दिन शुभ घड़ी लगन मुहूर्त, मौला कवित गुण गा, हे माँ साजन घर आए, हे माँ साजन घर आए, हे माँ साजन घर आए, मिल मंगल गाए, हे माँ साजन घर आए, हे माँ साजन घर आए, आए सब मिल मंगल गाए, हे माँ साजन घर आए। शुभ घड़ी लगन मुहूर्त, शुभ दिन शुभ घड़ी लगन मुहूर्त, मौला कवित गुण गा, हे माँ साजन घर आए, हे माँ साजन घर आए, हे माँ साजन घर आए, आए सब मिल मंगल गाए, हे माँ साजन घर आए, हे माँ साजन घर आए, सब मिल मंगल गाए, हे माँ साजन घर आए। शुभ दिन शुभ घड़ी लगन मुहूर्त, शुभ दिन शुभ
लगन महूरत मौला कवित गुण गा हेमा साजन घर आए हेमा साजन घर आए हेमा साजन घर आए आए सब मिल मंगल गाए हेमा साजन घर आए हेमा साजन घर आए आए सब मिल मंगल गाए हेमा साजन घर लगन महूरत शुभ दिन शुभ घड़ी लगन महूरत मौला कवित गुण गा हेमा साजन घर आए हेमा साजन